बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जबलपुर से। सेना भर्ती में पकड़े गए चार मुन्ना भाई, अग्निवीर परीक्षा में पकड़े गए हैं चार आरोपी, आधुनिक तरीके से कान में लगाए थे ब्लूटूथ डिवाइस। ये बड़ी जानकारी ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अग्निवीर परीक्षा में चार मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है। आपको बता दें दो आगरा, एक सतना और एक जबलपुर का निवासी बताया जा रहा है। थाना गोरा बाजार क्षेत्र का मामला है, मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जबलपुर में सेना भर्ती में पकड़े गए चार मुन्ना भाई, अग्निवीर परीक्षा में पकड़े गए चार आरोपी। मिलिट्री स्कूल में अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भर्तियां चल रही हैं उसमें जो फिजिकल और मेडिकल पास कैंडिडेट थे उनकी लिखित परीक्षा हो रही थी। उस दौरान चार अभ्यर्थी जो है तो अपने पास ब्लूटूथ डिवाइस लिए हुए थे, पाए गए थे, तो मिलिट्री स्टाफ द्वारा चेक किया गया था। फिर कर्नल श्री रोहित चतुर्वेदी साहब ने बताया कि चार लड़के जो हैं अभ्यर्थी अपने पास परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस लिए हुए थे, उन चारों लड़कों को फिर अपने हैंडओवर। राजेश विश्वकर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता जबलपुर से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से अग्निवीर परीक्षा की शुरुआत हुई और ऐसे में शुरुआत में ही इतने सारे मुन्ना भाई निकलकर बाहर आ गए, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए प्रश्न पत्र हल करा रहे थे। बिल्कुल, देखिए कल जो है वो मिलिट्री स्कूल में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया कल उनका लिखित परीक्षा जो थी वो थी, और उसी दौरान जो ब्लूटूथ डिवाइस है, बहुत छोटा सा डिवाइस था जो कान के अंदर कहीं ना कहीं लगाया था जो अभ्यर्थी थे, आरोपी थे, और पहली नजर में समझ पाना बहुत कठिन था कि इस तरीके से ये नकल कर रहे हैं। लेकिन जब जांच की गई तो ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो उनके कानों से निकला और चार मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं किया है। सेना के लोगों ने पहले पकड़ा था, फिर उसके बाद जो गोरा बाजार संबंधित थाना था वहां इन चारों आरोपियों को भेजा गया था। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो अगर चारों मुन्ना भाई की बात की जाए तो इनमें से एक जबलपुर का रहने वाला है, एक नरसिंहपुर का रहने वाला है, एक सतना का और एक आगरा का बताया जा रहा है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि आरोपी जो है वो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे ब्लूटूथ के जरिए, बाहर से कोई व्यक्ति जो है वो प्रश्नों का जवाब जो है वो उन्हें दे रहा था और वो पेपर में उसको हल कर रहे थे। तो अब पुलिस की जो सबसे पहली प्राथमिकता है कहीं ना कहीं जो बाहर बैठकर जवाब दे रहा था उसको भी गिरफ्तार करने की हो, और चार आरोपी कहीं ना कहीं गिरफ्तार किए गए हैं, फर्जी मुन्ना भाई है जो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए। साथ ही पांचवें व्यक्ति की तलाश कहीं ना कहीं पुलिस कर रही है जो लगातार इन्हें निर्देश और जवाब के प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे रहा था। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसकी गिरफ्तारी के, और पूछताछ जो है वो आरोपियों से जारी है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती परीक्षा जो है वो जबलपुर में चल रही है, मिलिट्री स्कूल में इसका आयोजन किया गया है, और इसके पहले भी बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी आए थे जब फिजिकल और मेडिकल होना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं संख्या कम है और ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सेना से जुड़े हुए मामले हैं जहां पर एक बार अभ्यर्थी गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसे जीवन भर मौका नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं युवा अगर इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनके लिए आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं, लिहाजा भी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब इन मुन्ना भाइयों पर पूरी तरह से धरपकड़ जारी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे